समर्पण के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम प्रयास कर रहे हैं उस पे सभी विद्यार्थी भी हमारे साथ प्रयासरत होंगे, उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत रासायनिक सारणी इलेक्ट्रोकेमिकल समरी, उसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल समरी बनाना बताया गया था, किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन किया जाता है, किस प्रकार से उसको आप लोग लिख सकते हैं, किस सीक्वेंस में आप उसको याद कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 23 या 24 स्पीसीज के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। उससे संबंधित जुड़ी हुई बातें क्या होती है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, मानक अपचयन विभव पर यह कैसे निर्भर करता है, किस प्रकार से स्पीसीज जो एनोडिक रूप में कार्य करती हैं, किस प्रकार से ये स्पीसीज कैथोड के रूप में कार्य करती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से मैं आपको एक कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल समरी जो एक सीक्वेंस में बनी हुई है, सीक्वेंस में लिखी हुई है, उसमें एक बार फिर दोबारा से इन सभी बातों से अवगत करवाता हूँ। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल समरी पढ़ी थी, लेकिन दोबारा से इसको पढ़ने का मीन क्या है कि भैया आज हम इससे संबंधित जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ सोल्व करेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस प्रकार से बोर्ड के माध्यम से या बोर्ड के द्वारा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है, उस दृष्टिकोण से ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल समरी है वो महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इन सभी के बारे में जानकारी हम लोग यहाँ से प्राप्त करेंगे। देखिए क्या कहना चाह रहा है। लास्ट टाइम क्लास में मैंने बताया था कि विद्युत रासायनिक सारणी होती क्या है, ठीक है। मैंने कहा विभिन्न स्पीसीज से मतलब चाहे से वो धातु हो या फिर अधातु हो, ठीक है, तो धातु या अधातु को उनके मानक अपचयन विभव इट मीन्स SRP के बढ़ते हुए क्रम में या एक सीक्वेंस में लिखने पर प्राप्त होने वाली सारणी विद्युत रासायनिक सारणी कहलाती है। उसमें मैंने कहा था कि जिसके लिए SRP का मान इट मीन्स मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है, उन सभी स्पीसीज का अपचयन होता है, ठीक है, और वो कैथोडिक नेचर में कार्य करती हैं, कैथोड के रूप में कार्य करती हैं। उसी प्रोसेस में हम देखते हैं जिन स्पीसीज के लिए SRP की वैल्यूएशन कम होती है, ठीक है, वो एनोड की भांति व्यवहार करती हैं। उसी प्रोसेस में देखें कि जिसकी SRP का मान मैक्सिमम होता है, ठीक है, उनकी क्रियाशीलता अन्य स्पीसीज की तुलना में कम होती है, और जिसके लिए SRP की वैल्यूएशन कम होती है, SRP का मान कम होता है, देन उसकी क्रियाशीलता का मान क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। उसी प्रोसेस में देखिए एक बार इसको फिर देखते हैं, या जैसे फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन को दो इलेक्ट्रॉन दिए गए, फ्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो इसका अपचेन हुआ एंड देन ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2F- अंश में कन्वर्ट हो गया। तो उस स्थिति क्या आपने सामने प्रोसेस क्या निकल कर गया कि फ्लोरीन जो था उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इट मीन्स इसका क्या हो गया, यहाँ से अपचेन हो गया। उस स्थिति में SO4 क्लोरीन H2O को हमने दो बार लिखा है, लास्ट टाइम पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि H2O क्या होता है, दो कंडीशंस में यहाँ लिखा जाता है, एक बार वो ऑक्सीकरण के रूप में और एक बार उसको अपचयन के रूप में लिखा जाता है। उस स्थिति में क्या कि जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो ये कुछ रिजल्ट अलग देता है, और जब इसका अपचयन हो रहा होता है तो ये रिजल्ट कुछ और देता है। देन यहाँ देखिए इसका अपचयन हो रहा है तो देन उस कंडीशन में क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है, और यहाँ से देखिए क्या कि जब इसका ऑक्सीकरण किया गया, सॉरी ये थोड़ा रिवर्स हो गया, देन एक स्थिति में हम लोग देख सकते हैं H2 जो है ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, और दूसरी स्थिति में क्या करता है, H2 हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, यहाँ से रिलीज करता है। तो उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, NO3- Ag+ Hg2+ OH- Cu2+ 2H+ Pb2+ SN2+ Nc2+ CO2+ Fe2+ Cr+3 Zn2+ H2O Al3 Mg2+ Na+ Ca+ K+ एंड Li+ ये सभी क्या है, स्पीसीज एक सीक्वेंस में लिखी गई है, ठीक है, उनके लिए मैक्सिमम SRP की जो वैल्यूएशन होती है वो फ्लोरीन की होती है, जो कितनी होती है +2.87 वोल्ट होती है। उसी प्रोसेस में लिथियम ऐसी स्पीसीज है जिसकी SRP की जो वैल्यूएशन है वो सबसे कम होती है, -3.05 वोल्ट होती है। देन यहाँ पर एक एक्वस कंडीशन पाई जाती है जिसके विभव की वैल्यूएशन 0.00 वोल्ट होती है, एंड देन ये SHE के रूप में क्या किया जाता है, उसको उपयोग किया जाता है, जिसको आप लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में पीछे वाली क्लासों में पढ़ चुके हैं।
उसी प्रोसेस में एक बार देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन, देन वहाँ पर इसका अपचयन करने पर H2 गैस हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसकी एक्वस कंडीशन है साम्यावस्था है समरी की, एंड देन वहाँ पर विभव की जो वेलवेशन है वो 0.00 वोल्ट होती है। इसी के सिक्वेंस में इस समरी को क्या किया जाता है, डिटेल स्टडी किया जाता है। कब देखिए कि जब विभव की वेलवेशन 0.00 वोल्ट से ऊपर की ओर मतलब अधिक होती है या धनात्मक होती चली जाती है, देन वो सभी स्पीसीज किस रूप में कार्य कर रही होती हैं, कैथोड के रूप में कार्य कर रही होती हैं, एंड देन जिनके लिए 0.00 वोल्ट से क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, इट मीन्स SRP की वेलवेशन जिनके लिए कम होती है वो किसकी भांति व्यवहार करती हैं, एनोड की भांति व्यवहार करती हैं। देन ये सभी जो स्पीसीज होते हैं इनके विभव की जो वेलवेशन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव में होती है मतलब धनात्मक होती है, एंड देन इससे नीचे वाली जो स्पीसीज होती हैं उनके लिए विभव की जो वेलवेशन होती है वो माइनस में इट मीन्स ऋणात्मक होती है, जैसा कि लिखा है +2.87 वोल्ट वो इसीलिए लिखा हुआ है, एंड देन यहाँ लिखा गया -3.05 वोल्ट वो इसीलिए लिखा गया है। एंड देन कह सकते हैं कि ऊपर वाली स्पीसीज धनात्मक और नीचे वाली स्पीसीज जो होती हैं ऋणात्मक विभव वाली होती हैं। इसके साथ हम इस समरी के 4 कैरेक्टर और स्टडी करते हैं। देन सबसे पहला मैं जो अभी को बार बार बता रहा हूँ आपको, मानक अपचयन विभव जिसको आप लोग कह सकते हो SRP, स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल। SRP की बात करें समरी में तो देखिए यहाँ से क्या कि इस SRP की वेलवेशन जो है वो लिथियम से लेकर के फ्लोरीन की दिशा में इट मीन्स नीचे से ऊपर की ओर क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अर्थात कह सकते हैं या छोटा क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में आपसे पूछा जाए कि लिथियम और फ्लोरीन में से किसके मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है, तो देन उस स्थिति में इस समरी को एनालिसिस करके हम आसानी से इसके लिए बोल सकते हैं क्योंकि इनको क्या किया गया है, इनके एक सीक्वेंस में लिखा गया है, एक क्रम में लिखा गया है। तो देन यहाँ से पढ़ पा रहे हैं क्या कि +2.87 वोल्ट एक मानक अपचयन जो विभव किसका है, फ्लोरिन का, और -3.05 वोल्ट जो मानक अपचयन विभव किसका है, लिथियम का है। इसी प्रोसेस में दूसरा जो कैरेक्टर इसमें दे रखा है, दूसरा जो गुण इसमें समझा रखा है वो है इनकी आक्षिकारक क्षमता। इट मीन्स इन सभी स्पीसीज का मोस्टली कंडीशन में अपचयन हो रहा है, तो जिनका अपचयन हो रहा है वो एक तरीके से किसकी भांति व्यवहार करेंगे, आक्षिकारक की भांति व्यवहार करेंगे, एंड देन उस कंडीशन में इनकी जो पावर जो होगी, स्थिति जो होगी वो किसके रूप में पड़ी जाएगी, आक्षिकारक क्षमता के रूप में। तो उसको भी हम लोग SRP के अकॉर्डिंग ही पढ़ सकते हैं क्या कि इनकी जो आक्षिकारक क्षमता है वो इस समरी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, इट मीन्स लिथियम से फ्लोरीन की ओर जाने पर इंक्रीज होती है, उसमें वृद्धि होती है, या इट मीन्स कह सकते हैं बढ़ती चली जाती है। थर्ड जो कैरेक्टर है इसका ऑक्सीकारक क्षमता के सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं अपचायक क्षमता, ये क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन जो चैप्टर है उसमें आपको बताया गया है, उसमें आपको समझाया गया है कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इट मीन्स उसी के सीक्वेंस में आक्षिकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत कंडीशंस में होते हैं। देन उस कंडीशन में जैसे ऑक्सीकारक क्षमता नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, इट मीन्स लिथियम से फ्लोरीन की ओर जाने पर इंक्रीज होती है, उसी प्रकार से अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर फ्लोरीन से लिथियम की ओर आने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है, घटती चली जाती है। एंड देन उसी प्रकार से हम बात करते हैं क्रियाशीलता की, हमने बार बार पढ़ा है, पीछे भी बताया गया है कि लिथियम जो होता है वो क्षार धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन यहीं से पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए मानक अपचयन विभव का मान क्या है, सबसे कम। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से क्या नहीं कर सकते, यहाँ से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो जो इलेक्ट्रॉन की लेन देन जल्दी से नहीं करेगा, ठीक है, देन उसको क्रिएटिविटी नहीं शो कर सकता, उसकी क्रियाशीलता वैसे ही कम हो जाएगी। तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ से कह सकते हैं क्या कि लिथियम जो है, ठीक है, उसके मानक अपचयन विभव का मान सबसे कम होने के कारण इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे कम होती है, और फ्लोरीन जो होता है उसके मानक अपचयन विभव का मान सबसे अधिक होने के कारण इसकी क्रियाशीलता का मान सबसे कम होता है। तो एक बार फिर बता रहा हूँ कि लिथियम जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील है और फ्लोरीन जो है वो क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील है। अब इस स्थिति में इस समरी को दोबारा पढ़ाने का उद्देश्य आशय क्या है, कई बच्चों ने देखा पिछली क्लास में भी सर ने इलेक्ट्रोकेमिकल समरी बताई थी, अब फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल समरी के बारे में चर्चा की गई है, तो उसका रीजन क्या है। देखो क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल समरी जो है उसको पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है कि इसी के साथ इसके क्वेश्चंस को सोल्व करना। अगर इस समरी को उतार करके लिख करके छोड़ दिया जाए या फिर इसको हल्का सा पढ़ करके छोड़ दिया जाए तो इसके क्वेश्चंस में आपको समस्याएं हो सकती हैं। उस स्थिति में इसके क्वेश्चंस को क्या करना, सोल्व करना बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या कहा जाए कि इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिख करके दे रहा हूं,
ठीक है, उसको देखते हैं कि इस समरी के द्वारा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, क्या आयरन के पात्र में CuSO4 इट मीन्स कॉपर सल्फेट के विलयन को रखा जा सकता है। देखिए यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, क्या आयरन के पात्र में, आयरन मतलब Fe, क्या आयरन के पात्र में CuSO4 विलयन को रखा जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ने पर हमें कुछ बातें ऐसी देखने के लिए मिलेंगी जिसमें हम इसको देख करके ये देख प्राप्त कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्पीसीज जो अपनी समरी में प्रेजेंट हैं उनकी चर्चा इसमें की गई है। तो देखिए आयरन एक स्पीसीज है, ठीक है, और CuSO4 के विलयन में Cu एक स्पीसीज है। CuSO4 आप जानते हैं कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, तो उसके लिए कहना चाह रहा है क्या कि क्या आयरन के पात्र में CuSO4 के विलयन को रखा जा सकता है। तो देखिए यहां बात आ रही है इसके रिएक्टिविटी की, किसकी बात आ रही है, इसकी क्रियाशीलता की। पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है, मोर रिएक्टिव जो स्पीसीज होती है वो कम क्रियाशील मतलब लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, सब्स्टिट्यूट कर देती है और उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। कह सकते हैं अपने शब्दों में क्या कि वह उसका क्या कर देती है, अपचयन कर देती है, उसको अपचयित कर देती है एक तरीके से। देन यहां से देख सकते हैं हम लोग क्या कि Fe कहां लिखा गया आप लोगों के लिए इस स्थिति में, और Cu कहां लिखा गया इसके अंदर, यहां। तो यहां से बातें देखिए क्या कहना चाह रहा है कि इस स्थिति में जब क्रियाशीलता की बात की जाए तो यहां देखिए Fe+2 जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, जबकि Cu+2 जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। इट मींस क्या करेगा कि Fe जो है वो CuSO4 का विलयन जब आयरन के पात्र में डालेंगे या रखेंगे तो Fe क्या करेगा, इस Cu को यहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा, इट मींस इसको अपचयित कर देगा, ठीक है, और इस स्थिति में Cu अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2+ में, और देन यहां से क्या निकल जाएगा, FeSO4। तो देन क्या कह सकते हैं हम लोग कि Fe जो है वो मोर रिएक्टिव स्पीसीज है या फिर मेटल है, जो कि लेस रिएक्टिव Cu स्पीसीज को क्या कर देगा, यहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा और इसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। एंड देन हुआ क्या कि पात्र जो था वो किसका बना था, Fe का, ये Fe के जो आयन थे वो किस में प्रेजेंट हुए, CuSO4 में, ठीक है। जब ये इसमें जाएंगे तो ये जो Fe जो है इसको यहां से सब्स्टिट्यूट करने के लिए या FeSO4 बनाने के लिए जब यहां से टूट करके विलयन में आएगा तो देन उस स्थिति में इस पात्र की दीवारें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो उसके कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, क्या आंसर दे सकते हैं, क्या जवाब दे सकते हैं कि भैया नहीं, आयरन के पात्र में CuSO4 के विलयन को नहीं रखा जा सकता। क्यों, क्योंकि Fe जो है वो अधिक क्रियाशील धातु है या अधिक क्रियाशील मेटल है जो CuSO4 के विलयन से Cu को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, जिससे कि पात्र की दीवारों से Fe टूट करके विलयन में आने लगेगा और पात्र की दीवारें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। उस स्थिति के अंदर हम कह सकते हैं क्या कि आयरन के पात्र में CuSO4 के विलयन को नहीं रखा जा सकता है। देखिए एक बार इसका आंसर एक एग्जैक्ट कंडीशन में मैं आपके सामने लिख देता हूं, क्या कहना चाह रहा है ये, नहीं, क्योंकि Fe अधिक क्रियाशील, Fe अधिक क्रियाशील धातु होता है Cu की तुलना में, जो CuSO4 से Cu का अपचयन कर देता है, अपचयन कर देता वह
पात्र से टूटकर, पात्र से टूटकर विलयन में आ जाता है, जिससे पात्र की दीवारें खराब हो जाती। देख लीजिए, एक बार फिर बोल रहा हूं कि Fe जो है वो CuSO4 से क्रिया करके FeCu को रिप्लेस कर देता है, क्या बन जाता है FeSO4 बना लेता है, क्या निकाल देता है Cu। इट मीन्स हुआ क्या कि पात्र की दीवारों से टूट करके Fe जो है वो कहां आ गया, विलयन में आ गया। इट मीन्स क्या हुआ, वहां जो पात्र रखा गया था जिसमें CuSO4 डाला गया था, वो पात्र क्या हो गया, यहां से खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। इट मीन्स ये है कि जब पात्र की दीवारें खराब हो जाएंगी, ठीक है, उस स्थिति में पात्र जब यूजेबल नहीं रहेगा तो उसको रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये कहना चाह रहा है क्या कि आयरन जो है उसके अंदर या आयरन का जो पात्र है उसमें CuSO4 के विलयन को नहीं रखा जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या कहना चाह रहा है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं इसी सिक्वेंस में, क्या ZN के पात्र में, क्या ZN के पात्र में CuSO4 का विलयन रखा जा सकता है। CuSO4 का विलयन रखा जा सकता है, तो वही बात आ रही है कि यहां से देखिए, अपने पास जिंक स्पीसीज यहां मौजूद है, ठीक है, तो जिंक की बात करें और यहां बात करें किसकी, कॉपर की, तो वही बात हुई कि जिंक जो है वही मोर रिएक्टिव मेटल है और कॉपर जो है उसके सेंस में क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल। तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर दिया जा सकता है कि जी नहीं, जिंक के पात्र में CuSO4 का विलयन नहीं रखा जा सकता। क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील मेटल है, वो उसको क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और उसके स्थान को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। उस स्थिति में हम कह सकते हैं क्या कि कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या नहीं रखा जा सकता, सॉरी कॉपर सल्फेट जो है उसको जिंक के पात्र में नहीं रखा जा सकता है। दैट्स ऑल क्लियर। दोनों क्वेश्चंस जो हैं उनके सिमिलर आंसर्स हैं, दोनों समान आंसर्स हैं। इन क्वेश्चंस को पीछे के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आगे आपसे फिर से इनके बारे में क्वेश्चंस किया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी सीक्वेंस में फिर क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। देखिए, हम बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको जादू देखने का बड़ा शौक होता है, ठीक है, तो बच्चे जब जादू देखने के लिए जादूगर के पास जाते हैं, उस स्थिति में पाते हैं क्या कि जादूगर कहता है कि देखो, मैं मेरे जादू से इस विलियन का जो रंग है, इस पदार्थ का जो रंग है वो नीला है, उसको मैं एक तरीके से ब्लू कर दूंगा, ब्राउन कर दूंगा, वाइट कर दूंगा, या एक तरीके से उसके कलर को मैं चेंज कर दूंगा। ये सब क्या है कि बच्चों को बेवकूफ़ बनाने वाली स्थिति होती है, जबकि उसका रियल जो रीज़न होता है, मुख्य कारण जो होता है वो एक साइंटिफिक रीज़न होता है, एक विज्ञान का कारण होता है, जो कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल समरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उस स्थिति में आपको कहा जाए क्या कि CuSO4 के विलियन, ये CuSO4 के विलियन में ZN की छड़ या फिर आयरन की छड़ डालने पर, ZN की छड़ या फिर आयरन की छड़ डालने पर क्या होता है, या फिर कह सकते हैं क्या होगा जब CuSO4 के विलियन में ZN या फिर आयरन की रोड को या उसकी छड़ को क्या किया जाए, रखा जाए। तो देन उस स्थिति में देखिए क्वेश्चन में लिख सकता हूं क्या होगा, जब CuSO4 के विलयन में ZN अथवा Fe की छड़ को रखा जाए। तो देखिए क्या होगा, आप लोगों को मालूम है कि CuSO4 जो है कॉपर सल्फेट, जिसको नीला थोथा के नाम से जाना जाता है, CuSO4.5H2O, ठीक है, जलीय विलयन जो होता है कॉपर सल्फेट का उसको नीला थोथा कहा जाता है, एंड देन उसका कलर होता है ब्लू,
कैसा कलर होता है उसका? ब्लू, नीला रंग होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि ऊपर जो रिएक्शन पढ़ी है उसमें देखा है कि CuSO4 जो है Fe को जब इसमें डाला जाएगा तो Fe क्या कर देगा, Cu को रिप्लेस कर देगा। इट मींस कॉपर सल्फेट जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, आयरन सल्फेट में। और भैया इसका जो ब्लू कलर है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्राउन कलर में। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है और FeSO4 जो फेरस सल्फेट होता है उसका कलर हल्का ब्राउन व्हाइट होता है। तो देन उस स्थिति में क्या हो गया, इसका कलर यहाँ से फेड हुआ कि नहीं हुआ? तो उस स्थिति में कह सकते हैं क्या कि जब CuSO4 के विलयन में, जब CuSO4 के विलयन में आयरन की छड़ रखी जाए तो CuSO4 परिवर्तित होकर FeSO4 बनाता है जहां CuSO4 का नीला रंग गायब हो जाता है। इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है क्या कि जब CuSO4 के विलयन में जेडन या आयरन, जिंक या आयरन की छत डाली जाती है तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है, क्यों? तो देन वहां पर यही स्थिति आएगी क्या कि आयरन के द्वारा Cu का क्या कर दिया गया, अपचयन कर दिया गया। CuSO4 का जो विलयन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, FeSO4 में। इसका रंग कैसा था, नीला, ब्लू कलर था। जब इसका अपचयन हुआ तो जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में नहीं बचा तो उसका रंग नीला रह किस स्थिति में रह सकता है, वो ब्लू कैसे हो सकता है? इसलिए इसका कलर जो है वो यहाँ से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और क्या हो गया, परिवर्तित होकर के गायब हो जाता है। देन FeSO4 के अकॉर्डिंग या तो हल्का ब्राउन या फिर व्हाइट कलर का क्या हो जाता है, वो बन जाता है। तो यहाँ से हम लोग इस प्रकार से इन निम्न क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इनसे संबंधित जो जानकारी है वो क्वेश्चंस जो है आपसे अगर पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आप इनका आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसी के साथ इनके अंदर वो अन्य स्पीसीज को भी कंपेयर करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देन क्लोरीन का कॉपर कोबाल्ट के साथ, निकल के साथ, आयरन के साथ में पूछ लिया, ठीक है। SO4 का पूछ लिया, फ्लोरिन का पूछ लिया, एजी का अन्य मैग्नीशियम या सोडियम के साथ में उसने पूछ लिया, सोडियम का क्लोरीन के सेंस में पूछ लिया। तो ऐसे वो क्या कर सकता है, इनसे संबंधित जो कंपैरिजन क्वेश्चन होते हैं वो पूछ सकता है। देन उस स्थिति में आपको रिएक्टिविटी का स्पेशल ध्यान रखना है क्या कि सबसे अधिक क्रियाशील जो होगा वो कम क्रियाशील को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसको प्रतिस्थापित कर देगा और उसका स्थान ग्रहण करके उसका क्या कर देगा, अपचयन कर देगा।